हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए, और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी का यूज़ सीखेंगे। टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ये टेक्स्ट टाइप किया है, उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फॉन्ट, तो जैसा भी हमें इसका फॉन्ट रखना है, तो यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो उसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉन्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, जो भी फॉन्ट इसका रखना है तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बी बोल्ड, जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो बोल्ड हो जाएगा, ये डार्क दिखाई देगा। उसके बाद यदि हमें बोल्ड को रिमूव करना है तो दोबारा से हम इसी पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है इटैलिक, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है वो इटैलिक हो जाएगा, तिरछा दिखाई देगा। इटैलिक रिमूव करना है तो दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है यू अंडरलाइन, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये क्यू लिखा हुआ और बीच से लाइन है, ये है स्ट्राइक थ्रो, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ये टेक्स्ट के बीच में सिंगल लाइन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल कैप्स, जैसे यहाँ पर हम स्मॉल कैप्स पर क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप्स पर क्लिक करने पर ये रहता तो ये कि पूरा कैपिटल में है, लेकिन ये पहले शब्द का जो पहला अक्षर है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और बाकी साइज में थोड़ा छोटा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर करते हैं ऑल कैप्स, तो ये पूरा कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसके लिए यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, इसको सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यदि इसको सबस्क्रिप्ट करना है तो जिस भी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना है पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट में ये थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देगा और सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग, तो लाइन के बीच का स्पेस कितना रखना है तो यहाँ से हम लाइन के बीच का स्पेस सेट कर सकते हैं। फोर्टी एट, सेवेंटी टू, ट्वेंटी सिक्स, तो जितने भी लाइन का स्पेस रखना है तो यहाँ से हम लाइन के स्पेस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है नो ट्रैक, जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट हमें कैसा रखना है, जैसे यहाँ पर करेंगे वेरी लूज तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पर करते हैं लूज, टाइट, वेरी टाइट, तो जिस भी तरीके का हमें टेक्स्ट रखना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्केल, तो जैसा भी हमें हॉरिजॉन्टल स्केल रखना है 120%, जितना भी परसेंट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केल रखना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये इस तरीके से दिखाई देगा। जो भी यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जो ऑप्शन दिए हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर टाइप मेन्यू में भी ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी हम इनका यूज कर सकते हैं या प्रॉपर्टी बार से यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मास्टर पेजेस का यूज सीखेंगे। तो इसमें हमने जो भी इमेज और जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस में वो प्लेस हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर मास्टर पेजेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यदि एक पेज में हमने कुछ भी टाइप किया और उसको यदि हम कॉपी करके हर एक पेज में पेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर मास्टर पेजेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मास्टर पेजेस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर ये जो मास्टर पेज दिए हुए हैं, यहाँ पर ये एल और आर लिखा हुआ है लेफ्ट राइट, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी पिक्चर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल मेन्यू पर जाते हैं प्लेस, और जैसे मैंने यहाँ पर ये पिक्चर को सेलेक्ट किया ओपन, यस, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर ये इमेज है और इमेज का नाम है। यदि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास पेजेस हैं उन सारे पेजेस में ये प्लेस हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेआउट मेन्यू पर जाएंगे, इंसर्ट पेजेस, और कितने पेज इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर 9 कर दिए, जैसे पूरे 10 पेजेस में ये इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट पेजेस में 9 करके इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उतने पेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमने मास्टर पेजेस का यूज़ करके ये इमेज और इमेज का नाम प्लेस किया हुआ था, ये बाकी के जितने भी पेजेस हैं वहाँ पर लेफ्ट साइड में ये प्लेस हो गया, तो यहाँ पर ये सेकेंड बाकी के पेज जितने भी पेजेस यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे उन सभी पेजेस में ये अप्लाई हो गया। ये फर्स्ट पेज में शो नहीं होगा ये, क्योंकि ये फर्स्ट पेज जो है राइट पेज है। इन पेजेस के ऊपर से ये आइकॉन्स, यहाँ पर ये जो पिक्चर और पिक्चर का नाम जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये यहाँ पर इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ना ही इसे रिमूव कर सकते हैं। यदि इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर व्यू मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले मास्टर आइटम्स चेक्ड हैं इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी पेज को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है वहाँ से ये मास्टर पेज रिमूव हो जाएगा। जिस भी पेज को हमने सेलेक्ट करके रिमूव किया है ये केवल उसी पेज से रिमूव होता है, बाकी के सारे पेजेस में रहता है ये। इस तरीके से यहाँ पर हम कॉलम गाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर हमें कितने कॉलम अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम कॉलम गाइड्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये मास्टर पेज को सेलेक्ट करेंगे, मास्टर पेज को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट मेन्यू पर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है कॉलम गाइड्स ऑप्शन, जैसे यहाँ पर कॉलम गाइड्स पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम गाइड्स की विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हमें कितने कॉलम्स रखना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया नंबर ऑफ कॉलम्स 2, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से सारे पेज में ये कॉलम्स अप्लाई हो जाते हैं। अब यदि हमें किसी पर्टिकुलर पेज के कॉलम्स को रिमूव करना है तो जिस भी पेज के कॉलम्स को रिमूव करना है उसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेआउट मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर कॉलम गाइड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स में दे देते हैं 0, ओके, कंटिन्यू, और यहाँ पर दे देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स 1, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पेज सेलेक्ट है केवल उसके बस कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, लेकिन बाकी के पेजेस में ये कॉलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि एक साथ जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस के कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो जाएं तो उसके लिए यहाँ पर हम मास्टर पेजेस को सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं। पहले यहाँ पर हम जैसे पहले था वैसे कर देते हैं, कॉलम गाइड्स यहाँ पर दे देते हैं 2, ओके, मास्टर पेजेस को सेलेक्ट करेंगे, मास्टर पेजेस को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट मेन्यू पर जाते हैं, कॉलम गाइड्स, और यहाँ पर दे देते हैं 0, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, और यहाँ पर दे देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स 1। जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्टर पेजेस का यूज़ करके कॉलम्स को रिमूव किया है,
तो ये जितने भी यहाँ पर पेजेस हैं सारे पेजेस के कॉलम्स जो यहाँ पर शो हो रहे थे टू कॉलम्स, वो सारे कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम मास्टर पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पब्लिकेशन विंडो को सेव करना सीखेंगे। यदि हम बिना सेव किए पब्लिकेशन विंडो को क्लोज करते हैं तो उसमें जितने भी कंटेंट हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू पर जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये सेव ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करेंगे या सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सेव पब्लिकेशन की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर सेव इन, यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ किस लोकेशन में इसको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप में सेव करना है या किसी भी ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ से हम इसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल का नाम देते हैं कि किस नाम से सेव करना है। यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया। पब्लिकेशन वन, ये पब्लिकेशन वन नाम दे दिया। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टाइटल बार में ये नाम से हो रहा है कि किस नाम से हमने इसको सेव किया, ये पब्लिकेशन वन नाम। और यहाँ पर ये .pmd जो है पेज मेकर का एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी पब्लिकेशन विंडो को सेव कर सकते हैं।